एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, ये मैंने बुक किया था, ये हेयर मशीन है, कर्लिंग, जो हम बालों को कर्ल करते हैं वो है। तो बहुत ही मतलब सॉलिड पैकिंग की हुई है। आइकॉनिक का प्रोडक्ट है ये। ये मैंने 2809 रुपए का लिया था, डिस्काउंट में चल रहा था, तो मैंने फटाक से आइकॉनिक का जो साइट है मैंने वहीं से बुक किया है। मैंने नाइका या मिंत्रा यहाँ से नहीं लिया है मैंने। कितने वाला था बच गया। तो ये देखिए, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसा है ये अंदर से। वाओ, कितना खूबसूरत है ये। सो गाइस, ये आइकॉनिक का है और इस ब्रांड के जो है ऑलरेडी मैं दो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, क्रिम्पिंग और स्ट्रेटनिंग। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है उसका, बहुत ही अच्छा। और मुझे कम से कम 7-8 महीने हो गए आइकॉनिक का यूज करते हुए, क्रिम्पिंग और स्ट्रेटनिंग। अभी तक उसमें कोई कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। तो फिर मुझे कर्लिंग मशीन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसी ब्रांड का लिया। मैंने किसी ब्रांड का नहीं लिया क्योंकि मुझे आइकॉनिक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। क्योंकि पैसे आपको हर ब्रांड में लगते हैं, बट वो 2-4 बार वर्क करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मैं ये जो ब्रांड है आइकॉनिक, इसका मैं कंटिन्यूटी में यूज कर रही हूँ। तो कोई प्रॉब्लम अभी तक में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और मुझे लगता है आगे भी नहीं आने वाला है। तो गाइस, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जो टिप देख रहे हैं आप, ये हिट नहीं होता है। जब हम बालों को कर्ल करते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं और ये पकड़ने में पूरा कंफर्ट है। ये आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा। आप देख रहे हैं मेरी ग्रिपिंग कितनी अच्छी है, पूरा कंफर्ट है ये यहाँ से पकड़ने में। और ये जो टिप है, आप जब कर्ल करते हैं तो यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है कर्लिंग के लिए। और ये जो सेकंड जो ये रॉड आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, रॉड है, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और तीसरा गाइस, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम गलती हो जाती है, स्विच को लगाया, बालों को कर्ल किया, फिर छोड़ देते हैं, भूल गए, माइंड से स्लिप कर गया कि इस स्विच को निकालना भी है। तो ये 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक अपने आप ये ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है खुद पे खुद। और बाकी ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर है 210 डिग्री है सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं डेमो देती हूँ आपको। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। बाकी अभी मैं ट्राई करती हूँ, और पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है गाइस। और जो एक और चीज़ है इसमें, जो ये स्टैंड दिख रहा होगा आपको, ये जब हम कर्ल करते हैं तो ये सपोर्ट करता है। आप देख रहे हैं इसकी सपोर्टिंग, ये ऐसे रहेगा ताकि जो हीट, ये रॉड हीट हो जाता है तो जहाँ भी आप रखेंगे वो टच में नहीं आएगा किसी चीज़ से भी, कपड़ों में या टेबल के टच में नहीं आएगा। तो ये जो स्टैंड है ये इसको पूरा सपोर्ट करता है। ये डाउन रहता है, ये अप रहता है, ये ऊपर की तरफ रह रहा है। तो सबसे मुझे तो अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। इसका टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, और ये जो माइनस है टेम्परेचर को कम करना होता है कि आप कितने टेम्परेचर पे अपने बालों को कर्ल कर रहे हैं। तो अभी मैं इसका जो टेम्परेचर है 190 कर देती हूँ, और ये हीट हो रहा है, और अभी करते हैं, अभी थोड़ा सा हीट होने देते हैं। देख रहे हो, गॉड, आप देख रहे हो ये कर्लिंग, मतलब 2-4 सेकेंड या 5 सेकेंड मैंने रखा था और उससे ये हो गया। तो गाइज मुझे तो आइकॉनिक के, ओह शिट, बहुत हीट है, सॉरी। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट पहले भी जो यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छा वर्क किया, और ये भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक भेज दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी अपडेट कर दूँगी। और आप ट्रस्ट मी, आप ले सकते हैं इसको, आँख बंद करके ले सकते हैं। तो मैंने दिखाई दिया, मतलब कितना अच्छा कर्ल हो गया, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ पैसे लगे लेकिन चीज़ प्रोडक्ट अच्छा मिला। तो अगर आपको कर्लर मशीन लेना है तो आप आइकॉनिक कर लें, ये सबसे बेस्ट है, सबसे मतलब मैं और ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैंने जितने भी यूज़ किए हैं उनमें से ये जो आइकॉनिक है ये बेस्ट है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। आज का रिव्यू वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एंड बाय बाय।